देश में काफी राज्यों में कोरोना के मामलों में तेजी देखी जा रही है, तो काफी राज्यों में मामले तेजी से घट रहे हैं। आइए जानते हैं आज 19 अक्टूबर 2021 को आपके राज्य में पिछले 24 घंटे में कितने केस मिले। नंबर ए, गुजरात में पिछले 24 घंटे में 18 नए मामले, मौतें कोई भी नहीं, 32 रिकवरी दर्ज की गई, सक्रिय मामले 193 हैं। नंबर दो, पश्चिम बंगाल में आज कोरोना वायरस के 690 नए मामले सामने आए हैं, 683 रिकवरी हुई है और 12 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। सक्रिय मामलों की कुल संख्या 7416 है। नंबर तीन, पंजाब में पिछले 24 घंटे में 24 नए कोविड-19 मामले, 32 रिकवरी और कोई भी मौत दर्ज नहीं की गई, सक्रिय मामले 219 है। नंबर चार, हरियाणा में आज 16 नए कोरोना के मामले, 13 रिकवरी और कोई भी मौत दर्ज नहीं की गई, सक्रिय मामले 126 हैं। नंबर पाँच, तेलंगाना में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 208 नए मामले आए हैं, 201 रिकवरी हुई हैं और 2 लोगों की कोरोना से मौत हुई है, सक्रिय मामले 3929 हैं। नंबर छह, असम में कोरोना वायरस के 298 नए मामले सामने हैं, 266 लोगों की रिकवरी हुई है, 7 लोगों की कोरोना से मौत हुई है, राज्य में सक्रिय मामलों का आंकड़ा 2114 है। नंबर सात, कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में 214 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं, 488 लोग ठीक हुए हैं और 12 मौतें हुई हैं, राज्य में कुल सक्रिय मामले 9164 हैं। नंबर आठ, उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में 3 नए कोरोना के मामले, 4 रिकवरी दर्ज की गई है, इस दौरान कोई भी मौत नहीं हुई है, सक्रिय मामलों की कुल संख्या 176 है। नंबर नौ, तमिलनाडु में पिछले 24 घंटे में 1192 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं, 1423 लोग ठीक हुए हैं और 13 मौतें हुई हैं, सक्रिय मामलों की कुल संख्या 14570 है। नंबर 10, पौंडीचेरी में आज 28 नए कोरोना के मामले, कोई भी मौत नहीं और 90 रिकवरी दर्ज की गई है, सक्रिय मामलों की कुल संख्या 523 है। नंबर 11, गोवा में कोरोना के 57 नए मामले संक्रमण के आए हैं और कोरोना से 57 लोग ठीक हुए हैं और 4 मौतें हुई हैं, सक्रिय मामले 600 हैं। नंबर 12, आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 332 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान 651 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, 6 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई, सक्रिय मामलों की कुल संख्या 5709 है। नंबर 13, राजस्थान में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 2 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान 1 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई, सक्रिय मामले 43 रह गए हैं। नंबर 14, केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 6676 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान 11023 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, 60 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है, सक्रिय मामलों की कुल संख्या 83184 है। नंबर 15, मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 6 नए कोरोना संक्रमण के मामले आए हैं, कोई भी मौत नहीं हुई, 6 ठीक हुए, सक्रिय मामले 84 हैं। नंबर 16, झारखंड में कोरोना संक्रमण के 9 कोरोना मामले सामने आए हैं, 9 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं और कोरोना से कोई भी मौत नहीं हुई, सक्रिय मामले 130 हैं। नंबर 17, हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 167 नए कोविड-19 मामले, 195 रिकवरी दर्ज की गई है और कोरोना से 5 मौतें हुई, सक्रिय मामले 1270 हैं। नंबर 18, मणिपुर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 67 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान 106 लोग डिस्चार्ज हुए हैं और कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई, सक्रिय मामले 1382 है। नंबर 19, बिहार में पिछले 24 घंटे में 2 नए कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं और 6 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं, इस दौरान कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई, सक्रिय मामले 43 हैं। नंबर 20, उड़ीसा में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 340 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान 530 लोग डिस्चार्ज हुए हैं और 5 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई, सक्रिय मामले 4294 हैं। नंबर 21, त्रिपुरा में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 16 नए मामले सामने आए हैं, इस दौरान 12 लोग डिस्चार्ज हुए हैं और कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई, सक्रिय मामले 104 हैं। नंबर 22, महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 1485 नए कोरोना संक्रमण के मामले आए हैं, 2078 लोग ठीक हुए हैं और 27 लोगों की मौत हुई है, सक्रिय मामले 28008 हैं। नंबर 23, उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में नए 9 कोरोना संक्रमण के मामले आए हैं, 4 रिकवरी दर्ज की गई है, प्रदेश में 123 सक्रिय मामले हैं। नंबर 24, राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 15 नए मामले सामने आए, इस दौरान 37 लोग डिस्चार्ज हुए हैं और किसी भी व्यक्ति की मृत्यु दर्ज नहीं की गई है, सक्रिय मामलों की कुल संख्या 298 है। नंबर 25, अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 27 नए मामले सामने आए, इस दौरान 22 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई और सक्रिय मामले 145 हैं। नंबर 26, छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 27 नए मामले सामने आए, इस दौरान 21 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, कोई भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई, सक्रिय मामले 189 हैं। नंबर 27, जम्मू कश्मीर में आज 75 नए कोरोना के मामले, 100 रिकवरी और 2 मौतें दर्ज की गई हैं, केंद्र शासित प्रदेश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 816 है। नंबर 28, मेघालय में कोरोना संक्रमण के 61 नए मामले सामने हैं, इस दौरान 126 लोग डिस्चार्ज हुए हैं और 3 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है, सक्रिय मामले 777 हैं। नंबर 29, मिजोरम में कोरोना संक्रमण के 249 नए मामले सामने आए, इस दौरान 862 लोग डिस्चार्ज हुए हैं और 5 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई, सक्रिय मामले 10769 हैं। तो ये थे आपके राज्यों के 24 घंटे की कोरोना केस रिपोर्ट। इसके अलावा भी किसी और राज्य की आपको कोरोना अपडेट चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं।